वैशाली वैशाली के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बढ़ते दिन में गर्मी कितनी बढ़ जा रही है, तो आज मैं आप लोगों के लिए गर्मी से रिलेटेड ही एक अच्छी रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि है आम पन्ना की। तो इस गर्मी में मेरे तरीके से बनाया आम पन्ना जरूर ट्राई कीजिए और बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं ये आम पन्ने की रेसिपी। सबसे पहले कच्चे आम को धो लेना है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये इसका ये जो डंडा है ये निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे निकाल दी है ऊपर का डंडी। अब इसको पानी डाल के उबालने के लिए रखते हैं। देखिए पानी डाल दिए हैं, अब इसको पानी डाल के उबालने के लिए रखते हैं। तो इसमें ढक्कन लगा देते हैं, गैस ऑन हो गया है। अब इसको हाई फ्लेम में हम लोग उबाल लेते हैं। ये देखिए हाई फ्लेम में अब रख दिए हैं कुकर को उबालने के लिए आम को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आम उबल चुका है, अच्छी तरीके से पूरा गल गया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं और ठंडे होने के बाद इसका जितना भी पल्प है वो सब निकाल लेंगे, प्यूरी निकाल के, और गुठलियाँ हम निकाल देंगे, छिलके भी निकाल देंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं। निकाल लेंगे, गरम है। निकाल लेते हैं, ये चम्मच के जरिए निकाल लेना है ये सारे पल्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये प्यूरी हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम एक मिक्सर जार में डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बिना पानी ऐड किए हम लोग प्यूरी को डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, प्यूरी डालने के बाद हम लोग को थोड़ा सा इसमें पुदीना डाल देना है, ताकि पुदीना का जो फ्लेवर है, ठंडा फ्लेवर, ये आए हमारे पन्ना में। और इसके बाद हम लोग को ये एक ग्रीन चिली ये डाल देना है तोड़ के। उसके बाद ये आधा टुकड़ा अदरक का डाल देना है। ये डालने के बाद अब इसमें मसाले डाल ले। हमको इसमें डाल देना है आधा चम्मच नमक, सादा नमक है, टाटा नमक। और उसके बाद ये एक भर के काला नमक डालना है, एक चम्मच पूरा। और ये देखिए ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर भी हमें डालना है। और ये ब्लैक पेपर भी हमको डालना है एक चम्मच। और ये देखिए ये जीरा, जीरा पाउडर भी हमको डालना है एक चम्मच। लास्ट में ये फ्लेवर के लिए चाट मसाला डालेंगे हम, आधा चम्मच ये चाट मसाला। तो ये सब डाल दिए हैं, अब इसको चलिए ग्राइंड कर लेते हैं बिना पानी डाले। और लास्ट में हमको थोड़ा सा ये नींबू का रस डालना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आधा नींबू का। चलिए इसको ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको दिखाते हैं ये किस तरीके का पिसा हुआ है। तो ये देखिए पूरा अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब चलिए हम लोग सीरम तैयार करते हैं। पहले इसको इस बर्तन में खाली कर लेते हैं। करना है हमको प्यूरी को
थोड़ा सा छान लेना है, क्योंकि इसमें जो भी रेसे हैं, नींबू का जो वो है बीज है और पुदीना के मान लो जो पत्ती होगा, तो वो सब जो है बाहर आ जाएगा और उसका ठीक एकदम प्योरी जो है और हमको बना में पीने में बीच में आएगा भी नहीं, तो इसको ऐसे छान लेना है। ये देखिए जो पिसा भी हुआ नहीं है ना वो सब कचरे में निकल जाएगा, तो उसको ऐसा छान लेंगे ताकि बाद में हमारे मुंह में कुछ भी ना लगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा छन के ये प्यूरी हो गया है तैयार। अब हम लोग इस पैन में डालते हैं शक्कर। देखिए हम यहाँ डालेंगे शक्कर, सीरम बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स शक्कर डालने के बाद इतना पानी हम डाले हैं जिससे कि ये घुल सके, है ना। देखिए शक्कर जो घुल सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गैस, इसमें चढ़ाते हैं अपना सीरम के लिए और इसको मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए कर हो गया हमारा मेल्ट, इसी तरीके से घुल गया है। ये हमारा शक्कर घुल गया है, तो ये दाना ना बैठे करके हमको ये नींबू का आधा नींबू का थोड़ा सा रस बनाना ताकि हमारा सीरम अच्छे से तैयार हो जाए। हमारी चाशनी हो गई है तैयार। सीरम हो गया है तैयार, अब हम लोग को इस मेल्ट को डाल देंगे। इसको सब डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से ताकि हमारा ये चाशनी में पक जाए। पन्ना जो होता है हम वो हमेशा पकने के बाद क्या होता है इसका जो तासीर हो जाता है वो ठंडा हो जाता है और हमारे बॉडी शरीर को ये बहुत राहत पहुंचाता है, तो हमेशा इसको पका कर ही पन्ना को पीना चाहिए। तो ये देखिए हमारा चाशनी में अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है, अब इसको थोड़ा 5-6 मिनट पकने देते हैं। चलिए 5-6 मिनट बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो पन्ना है वो अच्छी तरीके से उबलने लग गया है, लेकिन ये थोड़ा पतला है तो हमको अभी इसको गाढ़ा करना है, इसको अभी और पकने देते हैं थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा जो पन्ना है वो पक चुका है अच्छी तरीके से और गाढ़ा भी हो गया है, तब इस स्टेज में इसको क्या करना है बंद कर देना है। हमारा पन्ना तैयार हो गया है, अब इसको बंद करके उतार लिए हैं, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, तो अब इसको पहले अच्छे तरीके से ठंडा होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो बैटर है ये तैयार हो चुका है पन्ना का और ये अच्छी तरीके से ठंडा भी हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कैसे जमा हुआ है, ये देखिए कितनी गाढ़ी प्यूरी बन के तैयार हुई है। ये देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं अपन। तो चलिए अब हम भी देखते हैं पी के कि कैसा बना है और आपको बताते हैं कि इसको अब इसके आगे आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं 2 गिलास रख ली हूँ जिसमें कि मैं हरे पुदीने के पत्ते डाल दी हूँ। अब ये प्यूरी को मैं क्या करूँगी, ये उठा के ऐसे 1 गिलास में 2 चम्मच, है ना। अगर आपको ज़्यादा मीठा लेना है तो कर सकते हैं, और भी डाल सकते हैं, है ना। ऐसा 2-2.5 चम्मच आपको लेना है।
देखिए इसमें जो मैं नॉर्मल वाटर डाली हूँ, ठंडा पानी डाली हूँ एक में, ऐसे भी बना सकते हैं, और दूसरे में हम लोग डालेंगे सोडा। ये देखिए आप नॉर्मल पानी का और सोडे का जिसका भी चाहें पी सकते हैं, लेकिन दोनों टेस्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कौन सा अच्छा लगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, ये मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स हमारा पन्ना बन के तैयार है, ये जो है वो है नॉर्मल पानी का और ये सोडा का। तो आप दोनों ट्राई करिएगा बनाकर, इस गर्मियों के मौसम में ठंडा राहत जो आपको देगा कि बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखेगा और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ज़रूर बनाइएगा और पीजिएगा ये पन्ना। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे आम पन्ने की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पसंद आया। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आप लोगों को ऐसे नए रेसिपीज़ आपको मिलते रहेंगी। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, जय हिंद।